सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हियर। तो शो के बारे में आपसे शुरुआत। तो ये शो माटी से बंधी डोर, जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, माटी जो बेसिकली लैंड है हमारे पाटन विलेज की, जो लैंड है उससे हम सबकी डोर जुड़ी है, उससे हम सबके रिश्ते जुड़े हैं। बट जो रिश्तों के डायमेंशंस हैं वो कैसे चेंज होते हैं, वो कैसे ऊपर नीचे जाते हैं, ये स्टोरी बेसिकली उस बारे में। और जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ, रणविजय, लोग इसे प्यार से राणा बोलते हैं, राणा इज़ एक्चुअली वेरी आउट गोइंग, ही इज़ अ चेजर। जो चीज़ उसे चाहिए उसके पीछे भागता है, और जो चाहिए वही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बट ट्विस्ट ये है कि पूरी दुनिया में सिर्फ उसकी माँ है जिसकी वो बात सुनता है, बाकी उसे अपने फादर की भी इतनी कुछ पड़ी नहीं है, फादर की भी बात इतनी मानता नहीं है, बट जो माँ ने कह दिया वो उसके लिए बदतर की लकीर है। और आगे चल के वो कैसे अपना प्यार खोता है और किसी और लड़की से शादी करता है अपनी माँ के कहने पर, और फिर उनके रिश्ते जो डायमेंशंस अगेन कैसे चेंज होते हैं लड़की के साथ, बैजू के साथ, जया के साथ, और माँ के साथ, और पापा के साथ। सो मेरा कैरेक्टर इज ऑल अबाउट दैट। माटी से बंधी डोर, जैसा अंकित ने आप सबसे कहा कि ये माटी से बंधा हुआ है, कि हम बेसिकली मोहिते पाटिल ये एक किसानों की फैमिली है। हमारे घर में जो आने वाली बहू है वो भी एक किसान है। तो मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, इनका नाम है वसुंधरा पाटिल। तो वसुंधरा भी बैजू की तरह ही एक फार्मर थी, एक शेतकरी थी। तो हालांकि हमारा बेटा जो है रणविजय अभी शहर में सीख रहा है, वहाँ पढ़ रहा है, लेकिन उसकी डोर माटी से कैसी बंधी है ये आगे जाके शो में हमें पता चलता है। जब वो हमारे साथ आएगा और आगे जैसे जैसे स्टोरी एक एक एपिसोड होगा आपको पता चलेगा। दूसरी बात ये है कि माटी से बंधी डोर का मुझे सबसे बड़ा एक ख़ास बात ऐसी लगती है कि सारे कलाकार, जितनी हमारी टीम है वो बहुत बढ़िया टीम है, सारे कैरेक्टर्स एक से एक है। आपको हर एक कैरेक्टर को देखने के बाद ये पता लगेगा कि यस, रणविजय ऐसा ही होना चाहिए था, वैजू ऐसी ही होनी चाहिए थी। मेरे हस्बैंड का जो काम कर रहे हैं राज प्रेमी जी, सब सारे कलाकार, समिधा, अभय, गौरव, मुकेश, एक बहुत अच्छी कास्ट है और एक बहुत अच्छा शो आपके सामने हम लोग बहुत अच्छी भावना लेकर आ रहे हैं। तो आई एम वेरी श्योर दैट यू ऑल आर गोइंग टू लव इट। मेरे कैरेक्टर का नाम है वैजयंती कदम, जो पश्चिम महाराष्ट्र से बिलोंग करती है और सब उसे प्यार से वैजू कहते हैं, जो खुद एक किसान है, खेत में हल चलाती है, बाकी खेत के काम करती है, घर संभालती है। उनके फादर नहीं है तो वो घर की अर्नर है, तो उसके कंधे पे जिम्मेदारी है, तो वो सब संभालती है। और थोड़ी सी दबंग है, थोड़ी सी मर्द बनने की कोशिश करती है क्योंकि उसके घर में कोई मर्द नहीं है, तो उसके स्वभाव में थोड़ा सा वो है, बट वो दिल की अच्छी है, दिल की साफ है और मिट्टी से बहुत प्यार करती है। और उसका एक बैल है जिसका नाम है राजा, उस पर जान छिड़कती है। और आगे आगे देखते हैं कि उसका जीवन साथी उसे मिलता है कि नहीं, वो जैसी है अपनाता है कि नहीं। वो तो बोल के दिखाओ एक बार, ले भारी ले भारी उनको सब बताओ। और पश्चिम महाराष्ट्र से वैजू बिलोंग करती है और मैं खुद महाराष्ट्रियन हूँ, तो ऐसा मराठी तड़का बीच बीच में हम देते रहते हैं। तो जैसे प्रोमो में देखा है आप सब ने कि लय भारी, तो आमची सीरियल पण लय भारी। सीख रहा हूँ बीच बीच में, जैसे लय भारी सीखा, मेलिया सीखा, मेलिया कायरे मेलिया। सो जो कोशिश कर रहा हूँ बीच बीच में थोड़ा कुछ मराठी यूज़ करूँ, बाकी हमारी टीम बहुत अच्छी है, वो एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्प करते हैं। मोस्टली हमारी कास्ट एंड क्रू मोस्टली फ्रॉम महाराष्ट्र, मराठी बैकग्राउंड से है, तो हमारे डायरेक्टर खुद ही इज अ महाराष्ट्रियन, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो यस, देखा कि आप कहीं से आ रहे हो पर आप देखते हो उनको, तो माटी से जो
जो है जुड़ी हुई होती है, बट आप उनको देख के भाग जाते हो, तो एग्जैक्टली क्या स्टोरी लाइन होने वाली है, लव एंड हेट रिलेशनशिप है, क्या है? देखो एक्चुअली जो वो दिखाया है उसमें इट्स अ प्रोमो ना, तो थोड़ा सा ट्विस्ट डालना पड़ता है, बट वो क्यों भागेगा वो आपको एपिसोड देख के पता चलेगा। जैसे कि मैंने बोला था कि शहर में कोई है, फिर माँ के कहने पे कहीं और उसका उसकी शादी हो जाती है, तो वो भी एक वो आई थिंक वो एक रीज़न है। करें देखो मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि लिस्ट लेके कभी पार्टनर नहीं ढूंढते, लिस्ट लेके सिर्फ सामान बाज़ार से सामान खरीदा जाता है। लाइफ के पार्टनर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस कि आपकी वाइब उनके साथ कैसी है, आर यू बीइंग एबल टू योर सेल्फ विद योर पार्टनर, दैट इज़ द बिगेस्ट क्वालिटी। अगर आपके साथ ये है तो फिर आई थिंक आपने कितनी भी चेकलिस्ट बनाई हो वो धरी की धरी रह जाएगी, और यही एक चीज़ आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशन जो लाइफ लॉन्ग हम बोलते हैं हमारे हिंदू कल्चर में कि शादी लाइफ लॉन्ग होती है, तो यही एक चीज़ है जो उसे लाइफ लॉन्ग बनाती है। सेम कि वो अच्छा इंसान होना चाहिए, दिल का साफ होना चाहिए, बाकी सब तो कम ज़्यादा सब में होता है, तो वो एडजस्ट कर लेंगे। अंकित आपसे पूछना चाहेंगे, मैंने कम तो बीट थिएटर, बीट फिल्म्स, बीट मराठी सीरियल, उन्होंने अपने नाम का लोहा मनवा दिया है, और क्योंकि इस शो का जो कंसेप्ट है वो मराठी बेस्ड कंसेप्ट है, कितना ज़्यादा डोमिनेंस होता है मुतुजा का वहाँ पर, जब वो आपसे कोई सीन करवाना होता है सुनो ऐसे ही ऐसे कर दिया जाता है? देखो बहुत सच सच बोलना, मैं सच सच बोल रहा हूँ, बहुत बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, और इनका नेशनल अवार्ड भी अभी अभी अनाउंस हुआ है, कब आ रहा है वैसे? मिलेगा मिलेगा, तो नेशनल अवार्ड भी। सो बेसिकली मैं एक स्टोरी आपको बताता हूँ, जब मैं पहली बार मीटिंग पे रीडिंग पे आया तो मुझे लगा कि मुझे आता है काम, मैंने किया है थोड़ा बहुत काम तो मुझे आता है, तो मैं आया, फिर मैं अपने डायरेक्टर से मिला, मैं तो पता चला कि उन्हें भी नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, तो बोला अच्छा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्टर को नेशनल अवार्ड मिला है तो हमारा मोराल ही बूस्ट होगा, बहुत अच्छा है, अच्छे से काम होगा। फिर ये आई, इनसे थोड़ी सी बात हुई, फिर पता चला इनका भी नेशनल अवार्ड अनाउंस हुआ है, तो फिर मुझे लगा यार इधर तो सीखने को अभी बहुत कुछ पड़ा है, और मैं सीखते रहता हूँ, डायरेक्टर को मिल गया, हीरोइन को मिल गया, तो अब अगला चांस शायद आपका क्या कहना है, अगर मैं कहूँ कि ये आपका हिंदी टीवी डेब्यू है, कितनी फिटर्निटी अलग है वहाँ का शूटिंग शेड्यूल, यहाँ का शूटिंग शेड्यूल, और टीवी के बहुत बड़े दिग्गज स्टार के साथ आप काम कर रहे हो, तो स्टार जब आते हैं तो उनके आगे पीछे कितने लोग आते हैं, और क्या वो हाथ में कॉफी मग लेकर आते हैं या नहीं? नहीं, वो बहुत ही सिंपल है, और ऐसा उनके पर्सनालिटी में स्टार क्वालिटी है, पर वो जो उनका अंतराज है ऐसे लेके घूमते नहीं है, वो वाइब नहीं देते, तो इतने हम्बल है मेरे पास नहीं लेके घूम, मैं वही बोल रही हूँ कि ये बहुत ही हम्बल है, ऐसे मस्त सबसे बात करते, और सीन करते वक्त भी ऐसे डोमिनेट नहीं करते कि मैंने बहुत किया हुआ है कि ये सब, और मैं मराठी में काम कर चुकी हूँ तो टेक्निकली सब नॉलेज है, बट वो मेरा कंफर्ट जोन था, यहाँ मैं कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर काम कर रही हूँ तो थोड़ा डर तो होता है, सो वो बीट करके काम करने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू। तो अंकित आपसे जानना चाहिए, जैसा आपने बोला कि यू नो आपने मराठी भी सीख रहे हैं, बट आपकी बॉडी में भी थोड़ा चेंजेस आया है, आप वेट लॉस किया आपने बहुत ज़्यादा, कैसे किया, कितना किया ये भी बताइए। मैंने कुछ आई थिंक 7 अराउंड 7 kg लूज़ किया है, उसका एक रीज़न ये भी था बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम कॉलेज, तो थोड़ा सा कॉलेज गोइंग दिखना ज़रूरी है, तो उसके लिए, और मुश्किल एक्चुअली ज़्यादा मुश्किल नहीं है बिकॉज मैं बहुत टाइम से फिटनेस में हूँ, बहुत टाइम से मैं फिटनेस एक्टिविटीज़ करते रहता हूँ। कैसे किया ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं ये चाहता हूँ कि आई थिंक सब लोग को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली अ मिरेकल, मेरे लिए बहुत ही अच्छा वर्क करता है, इट्स कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं, बहुत सारे लोग ये फॉलो कर रहे हैं, बट ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है
अगर आप देखोगे तो हमारे एंसेस्टर्स बहुत टाइम से, बहुत पहले से ये कर रहे थे। हमारे अगेन हिंदू, हमारे हिंदू कल्चर में बोलते हैं कि सूरज ढलने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए और अर्ली मॉर्निंग उठ के खाना चाहिए। तो वो रीज़न यही है कि जब सूरज ढल जाता है उसके बाद अगले दिन के ब्रेकफास्ट तक आपके पास एटलीस्ट 16 घंटे होने चाहिए। तो ये जो पुराना, जो हम लोग बीच में जो सारी चीज़ें भूल गए थे, जो घर का बना खाना, जो ऑर्गेनिक फूड हम लोग भूल गए थे, वो सब चीज़ें वापस आ रही हैं। और अब उन्हें सुपर फूड में डाल दिया जाता है, ज्वार, रागी, बाजरा, मिलेट्स, चौलाई, हम पता नहीं मराठी में क्या बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें अब दोबारा वापस आ रही हैं और सुपर फूड में आ रही हैं। तो मैं सबको बोलूँगा कि दीज थिंग्स आर रियली रियली वंडरफुल एंड हेल्पफुल, फॉलो कीजिए। एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी एजिंग एंड एंटी कैंसर डाइट, तो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, नॉट जस्ट फिटनेस। क्या चैलेंजेस फेस किए? चैलेंजेस तो इन लोगों से पूछो, ये लोग कोल्हापुर में 48 डिग्रीज में खेत में शूट कर रहे थे, लकीली मैं बच गया, मैं एक दिन में करके आ गया। मैंने सबसे बड़ा चैलेंज फेस किया कि मुझे जब मैं हमने सीरियल चालू करने वाले थे उससे पहले मुझे एक सवाल पूछा गया, मैम आप ट्रैक्टर चलाते हो क्या? मैंने बोला यार यूजुअली तो लोगों के पास घर पर ट्रैक्टर होता नहीं, मेरे पास गाड़ी है, गियर वाली गाड़ी चला लेती हूँ और ये ठीक है। और जिस दिन फर्स्ट टाइम सच में ट्रैक्टर मुझे चलाना पड़ा तो मुझे बहुत दिक्कत हुई, हमने यहीं पे शूट किया। और वो उसके जो बाकी के सीन्स थे वो हमने ओरिजिनल खेत में शूट किए। तो जिस दिन वो हम लोग ट्रैक्टर वाला सीन शूट कर रहे थे तो यहाँ का ट्रैक्टर ना थोड़ा लेटेस्ट मॉडल था तो उसमें काफ़ी स्पेस थी, मैं थोड़ा एक 15 मिनट में मैंने सीख लिया उसको। लेकिन वहाँ जाके कोल्हापुर में जब हम शूट करने का टाइम आया तो एक बहुत पुराना मॉडल ट्रैक्टर आया था जिसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं थी, ऊपर से मैंने साड़ी पहनी हुई है, उसका गेयर बीच में है और उस सिर्फ ट्रैक्टर नहीं था, उसके पीछे एक बड़ी सी ट्रॉली लगी हुई थी जिसमें 50-50 किलो के बहुत सारे बोरे थे। तो वो ट्रैक्टर चलाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा और इस बहाने मैंने ट्रैक्टर चलाना सीखा। अभी मैं इतना अच्छे से ट्रैक्टर चलाती हूँ, मैं रिवर्स ले लेती हूँ आगे कहीं के कैसे भी एकदम बढ़िया ट्रैक्टर चलाना सीख गई। तो अभी आप गाड़ी बेच के ले लूँ। मैम आप बताइए कि आपका भी जो रोल है जहाँ मदर इंडिया से, मतलब आपने जो प्रोमो में देखा तो उसके अगर आप कुछ बताना चाहेंगे, आप किसान में आपने किए कितना किया आपने फार्मिंग? बाप रे ये थैंक यू इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। डिफ़िकल्टीज़ तो ये आई कि तपती धूप में नंगे पैर हल चलाना था, बाद में बैल के साथ सीन्स देने थे, उसका मूड है नहीं है वो सींग मार दे वॉट एवर, पर उसके साथ सीन्स करने थे। या फिर जो खेत के काम है वो तपती धूप में कोल्हापुर में शूट करने थे तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई, पर वही जो कैरेक्टर ही ऐसा है वो किसान है तो अगर मुझे उसे ऑनेस्टी से परफॉर्म करना है तो ऋतुजा बागवे को भी वो सब करना होगा ऑनेस्टी से, तो मैंने कोशिश की है, देखते हैं आपको पसंद आता है कि नहीं। आपका शो किसानों के मुद्दे को कितना दिखा पाएगा? बीच बीच में कुछ ना कुछ मुद्दे है उसमें और होने भी चाहिए और वो खेत में काम करते हुए भी दिखेगी। सो यस अंकित आप बताइए, हर शो कोई ना कोई मैसेज देने की जरूरत करता है और बहुत सारे शो देते हैं जो बड़े बड़े मैसेजेस दे भी जाते हैं और लार्जर देन लाइफ शो बनते हैं, ये शो क्या मैसेज देने वाला है? ये शो एक्चुअली जो आई थिंक बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि किसानों की लाइफ कैसी होती है एक्चुअल में, और स्पेशली जो छोटे किसान होते हैं, जो छोटे गांव के किसान होते हैं, उनके पास तक कितनी सुविधाएं पहुंचती हैं, उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ होती हैं नहीं होती हैं, उनको फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन सब चीज़ों के बारे में कितना ज्ञान दिया गया है या नहीं दिया गया है, तो किसान की लाइफ कैसी होती है ये शो उस चीज़ पर फोकस करेगा और लोगों को कितनी एक बेसिकली आपकी प्लेट तक खाना पहुंचने में वो खाना किन चीज़ों से गुजरता है और जो उस खाने को उगाता है वो अपनी पर्सनल लाइफ में कितना खुश है या कितना दुखी है, ये शो उस चीज़ पे फोकस करता है। आपने कुछ सीखा फार्मिंग को, आपकी प्रोमो देखा तो कुछ सीखा आपने कैसे बीज बोना? जी जी ये सारी चीज़ें तो हमने की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसानों की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, कुछ आपने
किया है वहाँ पे? जी, काम करते वक्त तो जो जो टेक्निकली परफेक्ट करना था वो तो चीज़ें सीखी, पर काम करते वक्त धूप में ना हमेशा मुझे यही लगता था कि यार किसान कितनी मेहनत करते हैं। वैसे तो मैं कभी भी फूड वेस्ट नहीं करती, पर अभी इसे एक दाना भी वेस्ट नहीं करूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।